हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल गायत्री मेडिकल में, जहां आप पाते हैं दवाइयों की संपूर्ण जानकारी। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पेडियाट्रिक मेडिसिन के बारे में, यानी बच्चों की इमरजेंसी मेडिसिन के बारे में। अगर आपके घर में 0 से 5 साल तक के बच्चे हैं तो उनके लिए ये मेडिसिन आपके घर में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि बच्चों में कब कौन सी प्रॉब्लम आ जाती है कुछ कह नहीं सकते हैं। इसलिए मैं आपको ऐसे 7 मेडिसिन बताने वाला हूँ जो आपके बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो सकती है। चलिए जानते हैं बच्चों की सबसे कॉमन मेडिसिन के बारे में। पहले इस वीडियो में हम जान लेते हैं बच्चों की कुछ कॉमन प्रॉब्लम जो कभी भी आ सकती है, और जानेंगे सभी कॉमन प्रॉब्लम में यूज होने वाली मेडिसिन के बारे में। बात करते हैं बच्चों की कॉमन प्रॉब्लम जो कभी भी हो सकती है, जैसे बुखार आना, उल्टी होना, दस्त लगना, पेट में दर्द होना, पेट में अपच की समस्या होना, पेट में गैस बनना, स्किन प्रॉब्लम होना और नाक बंद होना। इस प्रकार के कुछ कॉमन प्रॉब्लम हो सकती है, और इन सभी प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए आपके घर में बच्चों के लिए ये मेडिसिन रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहली मेडिसिन की बात करते हैं जो बहुत ही कॉमन होती है, जैसे पैरासीटामोल। अगर आपके घर में बच्चों को बुखार आती है तो आप पैरासीटामोल ड्राप और सिरप दे सकते हैं। अगर बच्चा 1 महीने से लेके 1 साल तक का है तो आप उसको ड्रॉप यूज करें, और अगर 1 साल से ऊपर का बच्चा है तो आप उसके लिए सिरप यूज करें। इसके ब्रांड नेम की बात करते हैं तो आपको मार्केट में कालपोल के नाम से आसानी से मिल जाता है। पैरासीटामोल के डोज की बात करते हैं तो इसको दिन में 2 से 3 बार यूज कर सकते हैं। ज़्यादा प्रॉब्लम आने पर आप अपने डॉक्टर को दिखाएं। अब बात कर लेते हैं सेकंड कॉमन प्रॉब्लम की। अगर बच्चा उल्टी करता है तो उसके लिए आप वोमिकाइंड सिरप रखें। इसके डोज की बात करते हैं तो आप इसको सिर्फ दिन में 2 बार दे सकते हैं। बच्चों को सबसे कॉमन प्रॉब्लम होती है पेट दर्द की, और उस पेट दर्द के कारण बच्चा बार बार रोने लगता है। उसके लिए आप पेट दर्द के लिए मेप्टल स्पास ड्राप और सिरप का यूज कर सकते हैं। इसके डोज की बात करते हैं तो इसको दिन में 2 से 3 बार यूज कर सकते हैं। अगर घर में 1 महीने से 1 साल तक का बच्चा है तो उसे 1 ml ड्रॉप दें, और अगर 1 साल से ऊपर का बच्चा है तो आप उसे 2 से 3 ml ड्रॉप दे सकते हैं। अब बात कर लेते हैं पेट में गैस की समस्या की। बच्चों को कभी कभी पेट में गैस भी बनने लगती है, अपच की समस्या होती है, तो उसके लिए आप गैस्ट्रिक का ड्रॉप यूज कर सकते हैं। मार्केट में आपको कोलिकेट के नाम से भी आपको ड्रॉप मिल जाता है। इसके डोज की बात करते हैं तो इसको आप दिन में 2 बार यूज कर सकते हैं। इस ड्रॉप को ज्यादा यूज ना करें। दस्त और लूज मोशन की बात करते हैं तो आप स्पोरलेक पाउडर यूज कर सकते हैं। अगर आप सिरप यूज करना चाहते हैं तो आप ओफ्लोमेक एम सिरप यूज कर सकते हैं। इसके डोज की बात करते हैं तो स्पोरलेक सेचेट को आप दिन में 2 बार यूज कर सकते हैं। ओफ्लोमेक एम सिरप के डोज की बात करते हैं तो ये इसको दिन में 2 बार दिया जा सकता है। अब बात कर लेते हैं बच्चों के स्किन प्रॉब्लम की। कभी कभी बच्चों को स्किन रेशेस हो जाते हैं, चकते पड़ जाते हैं, तो उसके लिए आप सिट्राजिन सिरप का यूज करें। इसके डोज की बात करते हैं तो आप सिर्फ इसको दिन में 1 ही बार यूज करें। इसके ब्रांड की बात करते हैं तो आप बहुत सारे ब्रांड आते हैं मार्केट में, किसी भी ब्रांड को आप यूज कर सकते हैं। इसके डोज की बात कर लेते हैं तो आप सिर्फ इसको दिन में 1 ही बार दें। लास्ट मेडिसिन की बात कर लेते हैं। अगर बच्चे की नाक बंद होती है तो आप नेजल ड्रॉप या स्प्रे का यूज कर सकते हैं, क्योंकि शीत के मौसम में अधिकतर ये समस्या सबसे ज्यादा होती है, इसलिए आप नेजल स्प्रे का यूज करें। मार्केट में आपको ओट्रेविन और अदर ब्रांड नेम से मिल जाता है। ये मार्केट में आपको एडल्ट और पेडियाट्रिक दोनों मिलता है, तो आप बच्चों के लिए पेडियाट्रिक यूज करें, एडल्ट बिल्कुल भी यूज ना करें। नेजल स्प्रे यूज करने के बाद बच्चे की नाक आसानी से खुल जाती है, और बच्चे को सांस लेने में प्रॉब्लम भी नहीं होती है। अगर बच्चे की नाक जाम हो जाती है तो इसके अलावा आप विक्स यूज कर सकते हैं, नेबुलाइजर मशीन का यूज कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं वार्निंग और प्रिकॉशंस की। अगर आपके बच्चे को इन सभी मेडिसिन से किसी प्रकार की कोई एलर्जी होती है, कोई रिएक्शन होता है, तो आप इस मेडिसिन का यूज बिल्कुल भी ना करें। आप बच्चे को ओवरडोज बिल्कुल भी ना दें। अगर आपके बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो रही है और आपको भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप अपनी मर्जी से किसी भी प्रकार की कोई मेडिसिन ना दें, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा नाजुक होते हैं और उनकी हेल्थ का ध्यान रखना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आप बच्चों के लिए सभी ये मेडिसिन रखते हैं तो आप एक्सपायरी डेट का विशेष ध्यान रखें।
एक्सपायर्ड सिरप या ड्रॉप बच्चों को बिल्कुल ना दें, क्योंकि इसके कुछ साइड इफेक्ट और कुछ रिएक्शंस हो सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको पेडियाट्रिक मेडिसिन के बारे में पूरी जानकारी मिली होगी, कुछ कॉमन मेडिसिन के बारे में पूरी जानकारी मिली होगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे और भी लोगों को जानकारी मिल सके। जय हिंद, जय भारत।